और आपको बताएं, तब्दीली सरकार भी माजी की हुकूमतों के नक्शे कदम पर चल निकली। साबिका हुक्मरानों को कर्ज का ताना देने वालों ने अपने 15 माह के दौरे इक्तदार में 11,610 अरब रुपए का कर्ज हासिल करके पूरी कौम को मजीद मकरूज बना दिया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी की गई डेट पॉलिसी स्टेटमेंट 2019-20 में हुकूमत ने 15 माह के दौरान कर्जों में 11,610 अरब रुपए इजाफे का एतराफ किया है। वजारत खजाना के मुताबिक कर्जों में इजाफा 1 जुलाई 2018 से 30 सितंबर 2019 के दौरान हुआ। कर्जे और बहजबात मैशियत के 94.3% तक पहुंच गया है। 15 माह में हुकूमती कर्जों में 9,288 अरब, मुकामी हुकूमत कर्जों में 6,234 अरब, जबकि गैर मुल्की हुकूमती कर्जों में 2,800 अरब रुपए इजाफा हुआ। वजारत खजाना के मुताबिक 30 सितंबर 2019 तक कर्जों का मजमूई बोझ 41,489 अरब रुपए हो गया। 30 जून 2018 को मुल्क पर कर्जों का बोझ 29,879 अरब रुपए था। 30 सितंबर 2019 तक हुकूमती कर्जे 34,241 अरब रुपए तक हो गए। 30 जून 2018 को हुकूमती कर्जे 24,953 अरब रुपए थे।